अस्सलाम वालेकुम डियर सिक्स क्लास, आई होप यू आर ऑल फाइन। और आज ज़रा कुछ लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आप तवज्जो करें, और ताकि लॉन्ग क्वेश्चन भी साथ साथ होते रहें आपके लिए और आप इजी महसूस करें। तो पहले हमने जो वीडियो शेयर की थी उसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन कुछ मैंने पढ़ाए थे, और उम्मीद है कि आपने उसे पढ़ लिया होगा, वीडियो वॉच कर ली होगी, याद कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो यू हैव टू गो वेरी फास्ट सो दैट यू कैन क्रैम, यू कैन जस्ट लर्न बाय हिट बाय हार्ट, लर्न बाय इट बाय हार्ट, सो इट्स ईजी फॉर यू टू गेट इट। सो नाउ दिस इज़ लॉन्ग क्वेश्चन, इसीलिए हम लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके साथ करवाते हैं ताकि आपको ये सिलसिला भी सिलसिला साथ साथ चलता रहे। तो ये आज हमने सवाल जो पढ़ना है वो क्या सवाल में पूछा जा रहा है आपसे, हाउ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड बीन डिस्कवर्ड, ये किस तरह दरियाफ्त हुई इंडस वैली, एंड ऑल्सो डिस्क्राइब फ्राम वेयर द साइन ऑफ एंशंट सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड, और इसके जो कुछ आसार थे, साइन थे, निशानियाँ थीं कुछ, वो कैसे हमें मिली। तो सवाल आपका ये चल रहा है। तो पहला हम देखते हैं मोहनजोदड़ो, इसके दो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, एक मोहनजोदड़ो और हरप्पा, तो उसके हवाले से आपने ज़रा ध्यान रखना है। तो मोहनजोदड़ो में वो कहते हैं द साइंस ऑफ इंडस वैली वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1922 में इसको दरियाफ्त किया गया था इंडस वैली को, और देयर वर फाउंड इन मोहनजोदड़ो एंड हरप्पा ड्यूरिंग एक्सकेवेशन ऑफ द लैंड, और जिस वक्त इस ज़मीन की खुदाई हो रही थी, एक्सकेवेशन हो रही थी, डिगिंग की जा रही थी, तो उस वक्त ये सारे आसार वहाँ पर उन्हें मिल गए थे, हरप्पा के और मोहनजोदड़ो के। द साइंस ऑफ द एंशंट सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड एट द फॉलोइंग प्लेसेस, और ये जो नीचे दी गई कुछ जगहें हैं वहाँ पर ये आसार जो थे, कुछ कदीम जो तहजीब थी, एंशंट सिविलाइजेशन, कदीम तहजीब, तो वहाँ पर इनको ये इन जगहों पर मिले थे। मोहनजोदड़ो इज़ एन एंशंट सिटी, और मोहनजोदड़ो जो है एक उनमें से एक कदीम शहर है। इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट लाड़काना सिंध, जो कि एक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है लाड़काना में, जो कि सिंध में होता है, सूबा सिंध में। ड्यूरिंग एक्सकेवेशन इन 1922 में खुदाई के दौरान, यानी डिगिंग जिस वक्त की जा रही थी, तो ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स एंड अदर रुइंस वर फाउंड, तो उसमें से हमें ऑर्नामेंट्स यानी जेवरात मिले, यूटेंसिल्स मैंने बर्तन कुछ वगैरह मिले पुराने, एंड अदर रुइंस वर फाउंड, और कुछ खंडरात सामने आ गए, रुइंस। द आर्कियोलॉजिस्ट, वो लोग जो ज़मीन को मुतालिया करते हैं उसको कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, स्टडीड देयर रुइंस, उन्होंने इन खंडरात का मुआयना किया, मुतालिया किया, एंड गॉट द होल हिस्ट्री ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और फिर उन्हें जाके इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कंप्लीट जो तारीख थी वो सामने आ गई उनकी। दूसरा जो अहम शहर है यहाँ पर हरप्पा का है, और हरप्पा इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट एंड एंशियंट सिटी ऑफ IVC, IVC का ये दूसरा जो शहर है वो हरप्पा है, IVC यानी इंडस वैली सिटी सिविलाइजेशन। इट इज़ नियर साहिवाल पंजाब, और ये जो हरप्पा है ये आपने याद रखना है, पंजाब के शहर साहिवाल में पाया जाता है, और यूटेंसिल्स, सील्स एंड सिस्टम ऑफ मेजर्स एंड वेट्स, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली, बर्तन मिले, कुछ सील्स, कुछ अहम मोहरें मिल गई, यानी स्टैम्प्स वगैरह, कुछ और इसी तरह की जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी वहाँ पर, और कुछ हमें ऐसी चीज़ें मिली जिससे उनकी मेजरमेंट यानी पैमाइश वगैरह के लिए, वज़न करने के लिए कुछ औजार या उनके तरीक़ेकार था, वर फाउंड फ्राम हेयर, और वहाँ हमें ये कुछ मिला। द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड ब्रॉन्ज टूल्स वर ऑल्सो डिस्कवर्ड, वहाँ पर कुछ ऐसी जानवरों की हमें तस्वीरें भी मिली, और कुछ ऐसे औजार मिले जो ब्रॉन्ज से बने हुए थे। ब्रॉन्ज एक धातु को कहते हैं, जिस तरह आयरन होता है, सिल्वर होता है, इसी तरह ब्रॉन्ज होता है, तो ब्रॉन्ज से बने हुए कुछ आलात मिले थे, टूल्स वर ऑल्सो डिस्कवर्ड, उसी जगह पर हमें मिले हरप्पा में। तो बेटा ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके अंदर मोहनजोदड़ो और हरप्पा के बारे में इंफॉर्मेशन है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो अहम आइटम्स हैं, जिन जगहें हैं, सीरीज़ हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर बेटा आपने याद रखना है, लॉन्ग क्वेश्चन एक ही है, और आई होप यू कैन डू इट वेल। पिछला जो उसमें सबक है, नया सबक पढ़ने से पहले पिछला रिव्यू कर लिया करें, कम अज़ कम एक मरतबा इसे रीडिंग कर लिया करें, ताकि वो जुड़ा रहे ज़रा आपसे,
बिल्कुल हम उसे इग्नोर कर देंगे तो वो दिमाग से वाइप आउट होना शुरू हो जाएगा, आस्ता आस्ता मिटना शुरू हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो असल बात यही है कि नया सबक पढ़ने से पहले पिछले को रिव्यू किया जाए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।